हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे एशियाटिक लिली की केयर के बारे में बात करूंगी। देखिए एशियाटिक लिली के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। फ्लावर्स एक बार खिल जाएं तो 5-7-8 दिन 10 दिन तक भी रह जाते हैं ये। और बस इनको ज़्यादा दिन रखने के लिए एक काम करना पड़ता है, मेरे ये फ्लावर्स देखिए झड़ने लग गए हैं जल्दी, क्योंकि मैं ना इतनी ध्यान नहीं दिया मैंने, और ये थोड़ा सा मैंने इसको धूप में खिसका दिया था स्टैंड को बाहर की तरफ, और ये बाहर धूप में ही पड़ा था। तो इसको अगर आपको ज़्यादा दिन तक फ्लावर्स को रखना है फ्रेश, तो क्या करना है, जैसे ही इसके फूल खिल जाते हैं, जब तक फ्लावर्स नहीं खिलते हैं तब तक आपको इसको फुल सन में रखना है, जहाँ पर 4-5-6 घंटे की धूप आती हो। लेकिन जब कलियाँ खिलनी शुरू हो जाएं, फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाएं, उसके मतलब खिल जाएं जब इसके फ्लावर्स, तो फिर आप इसको जो है वो शेड में रख दें, ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप कम मिले, एक सुबह सुबह की थोड़ी सी मिल जाए, वो ज़्यादा धूप नहीं मिले उसके बाद। तो क्या होता है कि वो फ्लावर ज़्यादा देर तक आपका रहता है, मेरा वही मैंने कहा धूप के कारण, और दूसरा मेरे ये पत्ता झड़। और दूसरी बात यह है कि जब इसमें कलियाँ आ जाएं और फूल, कलियाँ आने के बाद और जितने दिन तक फूल रहे, मतलब उतने दिन तक इसको मिट्टी को बिल्कुल सूखने नहीं देना। मेरे इसके फूलों के पत्ते देखिए कैसे दूर दूर हो रहे हैं और थोड़ा गिरने झड़ रहे हैं जल्दी। इसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि मेरे को पानी इनमें एक दो दिन मैंने नहीं दे पाई, मैं आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे तो एक दो दिन इनमें पानी नहीं मिला। तो पानी की कमी से भी क्या होता है, ये फ्लावर जो है वो झड़ने लग जाते हैं जल्दी। तो ये ध्यान रखें आप, एक तो छाया में शिफ्ट कर दें और पानी की कमी नहीं होने दें, मिट्टी मॉइस्ट ही रखें जब फ्लावर खिल जाए, और कलियां आने के बाद से, कलियां जब आ जाएं आपके फूल में उसके बाद इसको सूखा मत छोड़िए। अच्छा चलिए, अब इसकी मैं बात करूं तो मैंने इसके बल्ब्स लगाए थे तो उस पर भी वीडियो बनाई थी, आप पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं। अभी पिछले महीने या मेरे ख्याल बिफोर लास्ट मंथ इसके मैंने बल्ब लगाए थे। तो बल्ब्स जब आप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास 12 इंच का कुंडा है, ये मेरा जो है ये 24 इंच का कुंडा है, इसमें इतना अगर आपको इतना बड़ा अगर आपके पास 24 इंच का कुंडा है तो उसमें आप 5 या 6 लगाएं बल्ब्स। मैंने इस बार क्या गलती की है कि मैंने इसमें 14 बल्ब्स लगा दिए इतने से में, पिछली बार मैंने 5-6 बल्ब्स लगाए थे। मेरा पिछले साल वाला आप देखिएगा, पिछले विंटर वाला एशियाटिक लिली का वीडियो, येलो कलर के फूल एक तो इसमें बहुत सुंदर लगते हैं, सबसे सुंदर कलर एशियाटिक लिली का येलो लगता है मुझे, तो येलो कलर के फ्लावर्स भी थे उसमें और बहुत खूबसूरत, ज़्यादा फ्रेश और बहुत सुंदर, साइज तो यही था फ्लावर्स का, ब्यूटीफुल ज़्यादा लग रहे थे वो। तो मैंने इस बार 14 लगा दिए, तो उससे क्या होता है, एक तो भीड़ सी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो न्यूट्रिशन भी इनको उतना कम मिल पाता है और भीड़ हो जाती है एकदम। तो देखिए मैंने इसको स्टेकिंग करके अब थोड़ा दूर किया ताकि ये दूर दूर लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी इनकी। तो इतने बड़े 24 इंच में आप 6-7 बल्ब लगाएं, और अगर 12 इंच का कुंडा आप लेते हैं तो उसमें 4 बल्ब्स लगाएं, 12 इंच वाले में 4 और इसमें 7 तक लगा दें तो चलेगा। और अगर 9 इंच के गमले लेते हैं आप, इस साइज़ के गमले लेते हैं, देखिए अगर इस साइज़ के गमले लेते हैं 9 इंच के, तो आप ये बेटर रहेगा कि एक गमले में एक ही बल्ब लगाएं, क्योंकि बल्ब को न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, प्लांट भी फैलता है, और एक पौधे में इसमें 3 से 4, किसी में 2 भी आते हैं, किसी किसी में 1 भी आता है, तो 2 से 4 तक इसमें ज़्यादा रहता है, कलियां निकलती हैं एक पौधे में, और एक पौधे में एक ही बार फूल आते हैं, ये बार बार रीब्लूमिंग नहीं होती है इसमें। तो जो जो फ्लावर है थोड़ा स्पेंट हो जाए, जैसे ये देखिए इसकी पत्ती झड़ गई है, तो इसको अभी मुझे हटा देना चाहिए। देखिए इसमें एक ही आई है, इसमें एक ही फ्लावर आया है इस पौधे में, देखिए तो इसको अभी काट दूंगी, इसलिए मैंने काटा भी नहीं होगा। बल्ब जब आप खरीदें तो बड़ा साइज लेना चाहिए, जितना बड़ा बल्ब होगा उसमें उतना ज़्यादा खाना होगा और वो उतने ज़्यादा फ्लावर जो है वो बनाता है सबसे। तो फिर बल्ब को लगाना कैसी मिट्टी में, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना, उस पर मेरा वीडियो है जो मैंने पिछले महीने डाला होगा शायद, वो आप देख लें। अब मैं सिर्फ उसके बाद वाली केयर की बात करती हूँ। तो जब इसमें स्प्राउट निकल आता है, पौधे बड़े होने शुरू हो जाते हैं,
तो फिर आप इसमें शुरू में तो हम नाइट्रोजन वाला खाद देते हैं, मैं अपना वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ना मेरा, वो देती रहती हूँ मैं हर 10 दिन में एक बार पौधों को, क्योंकि इनको क्या होता है बल्ब वाले जो पौधे होते हैं इनको फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इसको फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर देते हैं। वैसे अगर आपका बल्ब हेल्दी है तो बल्ब में इटसेल्फ में ही फूड होता है और वो उसको पहले से ही उसमें उसने स्टोर करके रखा हुआ होता है फूड अपने पौधों को, अपने फूलों को खिलाने के लिए पहले डिसाइडेड होता है कि इसमें अच्छे फूल खिलेंगे। अच्छे बल्ब लगाते हैं तो उसमें उस स्टोर्ड फूड से ही आपका पौधा जो है उगता है। और उसके बाद जो हम फूड देते हैं वो एक तो बल्ब को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, इंस्टेंट फूड भी होता है उसके साथ, इसलिए उसके बाद हमें लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा देना चाहिए जो हम सरसों खली से और गोबर की खाद से बनाते हैं। सरसों खली और गोबर खाद को पानी में भिगो दें आप, एक दो दिन उसको भिगा रहने दें और फिर उसका पानी दें, उसमें फॉस्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं सरसों खली के, उसमें थोड़ी सी आप उसमें जैसे एक बाल्टी पानी लेते हैं उसमें 2-3 मुट्ठी सरसों खली डाल दें और 2-3 मुट्ठी उसमें खाद की डाल दें आप, और 1 या 2 मुट्ठी उसमें नीम खली की भी डाल दें, क्योंकि इसमें बल्ब्स वगैरह में क्योंकि फ्लैशी होते हैं ना बल्ब्स, फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, और थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दें 1/2 चम्मच, कोई भी फंजीसाइड पाउडर ले लें, साफ ले लें, मैंकोसिब ले लें, कोई भी आपको जो बाजार से मिलता है ले लें, और वो मिला के 3-4 दिन उसको रखा रहने दें उस पानी को, और मतलब ये जो आप फंजीसाइड डालें वो लास्ट में जब पानी देने लगे तब डालें, पहले तो आप सरसों खली नीम खली और खाद को भिगो के रख दें 1-2 दिन, फिर उसका पानी दें, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, मतलब 1 बाल्टी में आपने भिगोया है तो उसको 1.5 बाल्टी कर लें और पानी थोड़ा सा मिला के, और फिर उस पानी को आप अपने पौधों को दें 10 दिन में एक बार, और वो पानी पड़ा रहने दें, 1-2 महीने पड़ा रहेगा ना सरसों खली वाला पानी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा और जितना डिकम्पोज होता है उतना, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें, 1 डली या 2 डली गुड़ भी डाल दें, 1 बाल्टी में भीगा पड़ा रहने दें ढक के उस पानी को, थोड़ा सा रोज हिला दिया करें तो वो सर्दी पड़ा रहेगा 2 महीने तो खराब नहीं होता है वो पानी, उल्टा वो और अच्छी खाद बनती जाती है जितनी देर तक वो पड़ा रहता है, तो वो पानी बस अपने सारे पौधों को या इनको देते रहें तो इंस्टेंट फूड भी मिलता रहता है बल्ब को, और आपका जो फूल है फ्लावर है वो अच्छा खिलता है, जल्दी खिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे एशियाटिक लिली में कलियां नहीं आई हैं, तो वो कलियां नहीं आई हैं या हेल्दी कलियां नहीं आई हैं, तो कलियां नहीं आने का एक रीज़न ये होता है कि आपने जब बल्ब लिया तो वो बड़ा वीक था बल्ब, उस बल्ब में इतना खाना नहीं था कि वो उसमें फूल बन सके। जो कम मैच्योर वाले बल्ब, कम छोटे बल्ब आते हैं, जो एक बार मैंने भी बल्ब्स लिए थे तो वो छोटे बल्ब्स आ गए थे, तो छोटे बल्ब्स जो होते हैं उनमें फिर फ्लावर नहीं निकलते हैं, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी केयर में भी कोई कमी नहीं है, फ्लावर आपके उस बल्ब में ही दम नहीं है कि उसमें कलियां आए, तो इसलिए जब भी आप खरीदें तो जहाँ बल्ब पड़े होते हैं ना सबसे बड़े बड़े वाले बल्ब्स, हेल्दी बल्ब्स को चुना करें जिसमें छोटा सा स्प्राउट भी निकलने वाला हो, ऐसे बल्ब को चुन के लाएंगे तो उसमें 100% आपके जो है वो कलियाँ निकलेंगी और फ्लावर्स भी आएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें, और फिर स्पेंट फ्लावर्स को काटते रहें जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसमें बार बार रीब्लूमिंग नहीं होती है, तो आप उसको काट देंगे तो दूसरा जो है वो फ्लावर अच्छी तरह खिलेगा। आप देखिए इसमें इतने सारे फ्लावर्स हैं तो इसको कितना खाना वगैरह चाहिए होता है, तो इसको अगर मैं फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी तो फ्लावर्स जो है वो खिलेंगे नहीं, कलियां आ गई लेकिन पौधे को दम भी तो चाहिए उन कलियों को खिलाने के लिए, तो इसलिए जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया वो 10 दिन में देते रहें। जिनके अभी भी नहीं आई हैं ना कलियां, वो क्या करें कि देते रहें जो है उसको, हर हफ्ते देना शुरू कर दें आप वो जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया, अच्छी क्वांटिटी में दे दें, और देखिए फिर आपके जैसे ही उसको फॉस्फोरस और धूप देनी चाहिए, धूप भी दें और मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करें, उससे बल्ब के गलने का डर रहता है, तो और फिर जैसे मैंने कहा फ्लावर्स खिल जाएं तो उन्हें थोड़ी सी छाया में कर दें, और जब तक फ्लावर्स नहीं खिल रहे हैं तब तक उसको फुल धूप में अच्छी तरह रखें, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं।
वैसे ये मुझे ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने शौक शौक में 14 लगा दिए थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सारे अलग अलग रंगों के हैं, मैं दो दो लाई थी हर रंग के फ्लावर्स। लेकिन ये देखिए एक ही रेड से शेड में ही सारे आ गए हैं, रेड बरगेंडी ऐसा शेड से ही आ गए हैं ये सारे। और येल्लो जो मेरा सबसे फेवरेट कलर था वो नहीं आया है। और देखिए ऑरेंज वाला फ्लावर बाकियों से छोटा है, ये वैरायटी कुछ अलग होगी या छो वैरायटी अलग लगती है, क्योंकि दो दो बल्ब्स हैं। देखिए दोनों बल्ब्स में ये ऑरेंज वाला जो है ये देखिए छोटा ही खिला है, इस वाले में भी छोटा ही खिला है। और ये मुझे कुछ वैरायटी भी अलग लग रही है, देखिए इसमें दो बल्ब्स हैं, तीन पत्ते अंदर की तरफ हैं, तीन बाहर की तरफ। और इनमें ऐसा क्लियरली अंदर बाहर नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनमें ये कुछ मेरे इस फ्लावर्स में कुछ में ऐसा है तीन पत्ते अंदर तीन बाहर, और इन वालों में ऐसा नहीं है क्लियरली। ये जो इधर रेड वाले खिले हुए हैं इनमें इस तरह से क्लियरली अंदर बाहर नहीं है, देखिए इसमें ये क्लियरली अंदर है, ये अंदर बाहर है। देखिए इसका एक कोना अंदर है एक बाहर है, और ये कम्प्लीटली बाहर है और ये भी अंदर बाहर है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसा हिबिस्कस में होता है, ये पूरा बाहर है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको, अच्छा इसमें एफिड्स वगैरह कई बार लग जाते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें, अपने पौधे को देखते रहें, और फिर जो इमीडा क्लोप्रिड एक मेडिसिन आती है वो ले आए आप, और उसको 1 ml 1 लीटर में डिसॉल्व करके और उसका आप स्प्रे करें। और अभी भी ये अच्छे लग रहे हैं, लास्ट ईयर येलो फ्लावर्स थे इनमें तो ये और भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वही मैंने कहा धूप में मैंने थोड़ा रहने दिया, तो पत्ते अभी फूल इनके जल्दी झड़ रहे हैं। और अगर मैं शुरू में इसको छाया में कर देती, क्योंकि मेरे ये ओपन छत में ऊपर पड़े हैं ना, तो ये छाया वाला एरिया मिलता मुश्किल है मेरे को। तो ऐसे एक और देखिए अलग से, एक बल्ब ऐसा था वो मुझे लग रहा था शायद उसमें फंगस लग गई है या क्या है, तो उसको मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड वाले पानी में रखा एक आधा दिन और उसको थोड़ा अलग लगाया था। देखिए उसको भी दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये वाले बल्ब को मैंने अलग लगा दिया था, और इसमें भी देखिए अब इसमें भी आ गई हैं कलियाँ। काफ़ी दिन ये बाहर पड़ा रहा यूं ही नेग्लेक्टेड सा, मैंने सोचा अब लगाऊं नहीं लगाऊं, फिर बाद में मैंने इसको लगा दिया। उनको इसको उन बल्ब्स के कम से कम 10-15 दिन बाद लगाया होगा मैंने, तो अब इसमें भी ये देखिए स्ट्रॉबेरीज। अभी आज मैंने एक रेड स्ट्रॉबेरी यहाँ से, ये दिख रही है डंडी सी आपको, यहाँ से तोड़ी थी ये, आज एक रेड स्ट्रॉबेरी तोड़ी है मैंने और ये स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।